हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल शेड्स ऑफ मैक्स। सबसे पहले मैं उन सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ जो मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और कमेंट सेक्शन में उसे अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली करिए और उसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं, और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं। मेरा हैंडल है शेड्स ऑफ मैक्स। पिछले वीडियो में मैंने डाला था, आप अगर यूरोप 10 डेज के लिए आ रहे हैं तो आप पेरिस और स्विट्ज़रलैंड कैसे घूम सकते हैं। मैंने उस वीडियो में ये भी पूछा था कि उसके अलावा आप कौन सी और जगह देखना चाहते हैं जिसके लिए मैं आपका ट्रिप प्लान कर दूं। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में बोला है कि या तो वो ईस्टर्न यूरोप के बारे में पता करना चाहते हैं या वो इटली के बारे में पता करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में मैं बता रही हूँ कि अगर आप 7 डेज के लिए इटली आते हैं तो आपका प्लान कैसा होना चाहिए। इटली ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत फेमस है अपने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को लेके और अपने खाने को लेके, और मेरी तो वो फेवरेट कंट्री है। तो मैं आपको बताऊंगी कि 7 डेज का प्लान आप इटली के लिए कैसे बना सकते हैं। डे 1 में आप इंडिया से इटली फ्लाई करेंगे। आपका अराइवल सिटी होगा रोम। डिपेंडिंग आप डे के कौन से टाइम पे यहाँ पे आ रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप अपना होटल चेक इन करिए, और अगर आप आफ्टरनून तक आ जाते हैं तो फिर आप पूरा सेकेंड हाफ ऑफ द डे सिटी को अपने आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। मेरा टिप ये होगा कि आप अपना होटल का बुकिंग सेंट्रल स्टेशन के पास करिए, क्योंकि इससे आपको आपके आगे की जो जर्नी है जो कि मेनली ट्रेन से होगी वो काफ़ी आसान हो जाएगी, और जो बहुत सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं वो भी स्टेशन से काफ़ी पास है, तो उसके लिए आपकी कनेक्टिविटी भी बहुत ईजी हो जाएगी। डे 2 में आप सबसे पहले हॉप एंड हॉप ऑफ बस का टिकट ले लीजिए। ये बस का टिकट आप 2 दिन के लिए लीजिए, क्योंकि रोम जो सिटी है वो बहुत ही बड़ी है और उसको घूमने के लिए एटलीस्ट 2 दिन चाहिए। रोम सिटी के साथ आप वेटिकन सिटी को भी घूमते हैं। पर सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि ये हॉप एंड हॉप ऑफ बस क्या होता है। हॉप एंड हॉप ऑफ बस एक टूरिस्टिक बस है और वो हर टूरिस्ट स्पॉट पर जाती है, और सबसे अच्छी बात ये होती है कि उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी होती है, मतलब कि उसकी फ्रीक्वेंसी हर 5 और 10 मिनट्स की होती है। तो उससे अच्छा ये होता है कि आप फॉर एग्जांपल आप कोलोसियम घूमना चाहते हैं तो आप पहले कोलोसियम में उतर जाइए, अपने हिसाब से कोलोसियम को देख लीजिए और फिर बस स्टॉप पे खड़े हो जाइए, और अराउंड 5 या 10 मिनट्स में आपको बस मिल जाएगी और आप फिर दूसरे टूरिस्टिक स्पॉट पर चले जाएंगे। हॉप एंड हॉप ऑफ बस से आप कोई भी नई सिटी को बहुत आसानी से एक्सप्लोर कर लेते हैं। आप रोम में क्या क्या देख सकते हैं? रोम में बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। रोम के पास ही वेटिकन सिटी भी है, तो रोम और वेटिकन सिटी को घूमने के लिए एटलीस्ट 2 दिन चाहिए। सबसे पहले तो आप वर्ल्ड फेमस कोलोसियम देखिए, उसको घूमने के लिए भी अराउंड 3 to 4 आवर्स लग सकते हैं। कई बार तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर क्यू रहती है डिपेंडिंग ऑन कौन सा सीज़न चल रहा है, बट आप कोलोसियम अंदर से भी देखिए। आप स्पेनिश स्टेप्स देखिए, ट्रेवी फाउंटेन देखिए, ट्रेवी फाउंटेन में आप कॉइन डालिए और अपनी विश को पूरा करिए। आप वेटिकन सिटी देखिए, वहाँ का कैथीड्रल देखिए, उसकी आर्किटेक्चर को एडमायर करिए। सभी चीज़ें बहुत ही मेसमराइजिंग है, तो आप रोम सिटी को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर करिए और उसे इन्जॉय करिए। और रात में आप इटालियन फूड खाइए, आप वहाँ का पिज़्ज़ा खाइए, आप पास्ता खाइए, और सिटी को रात में भी इन्जॉय करिए, क्योंकि जो रोम है वो डे में और नाइट में दोनों में ही बहुत ही ब्यूटीफुल है। रोम घूमने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो आप डे 3 के इवनिंग में ही फ्लोरेंस चले जाइए, या फिर डे 4 के मॉर्निंग में फ्लोरेंस चले जाइए। आप फ्लोरेंस ट्रेन से या बस से कैसे भी जा सकते हैं। इन सभी का डिटेल्स गो यूरो साइट पर जाके आप चेक कर सकते हैं। डे 4 आपका फ्लोरेंस एक्सप्लोर करने का दिन है। फ्लोरेंस फेमस है अपने आर्ट के लिए। यहाँ पे बहुत सारे आर्ट गैलरीज और म्यूजियम हैं। यहाँ पे एक डुओमो है, डुओमो मतलब चर्च, जो कि लैंडमार्क आइकन है। इसके कलर्स और डिटेल को देख के आप डेफिनेटली इम्प्रेस हो जाएंगे।
यहाँ पे एक बहुत ही फेमस ब्रिज है जिसका नाम है पोंते वेचियो. यही एक ब्रिज था जो वर्ल्ड वॉर टू में बच गया था, तो आप उसे भी डेफिनेटली देखिए. और एक यहाँ पे पियाज़ा माइकल एंजेलो है जिससे आप फ्लोरेंस का पैनारोमिक व्यू देख सकते हैं और बहुत सारे स्कल्पचर्स देख सकते हैं, तो उसे भी ज़रूर देखिए. फ्लोरेंस को आप खुद ही वॉक के थ्रू एक्सप्लोर कर सकते हैं. उसके लिए आपको हॉप एंड हॉप ऑफ का ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारी चीज़ें बहुत आसपास ही हैं. डे 4 को आप फ्लोरेंस को एक्सप्लोर करिए और फिर आप डे 5 के लिए रेडी हो जाइए. डे 5 को आप फ्लोरेंस से पीसा जाएंगे. पिज़ा में आप वर्ल्ड फेमस लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा देखेंगे जो कि अभी भी टेढ़ा है. आप उसको ऊपर जाके भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और उसकी आर्किटेक्चर को एडमायर कर सकते हैं. आपको पिज़ा एक्सप्लोर करने के लिए ऑलमोस्ट हाफ अ डे से लेके वन डे लग जाएगा, तो आप पिज़ा को एक्सप्लोर करिए और उसके बाद वापस फ्लोरेंस आ जाइए. डे 6 को आप वेनिस एक्सप्लोर करेंगे, तो आप डे 5 को ही रात को ट्रेन लेके आप वेनिस चले जाइए. ट्रेन फास्ट ट्रेन भी है और स्लो ट्रेन भी है. फास्ट ट्रेन आपको 3 आवर्स में ही वेनिस पहुंचा सकती है और स्लो ट्रेन अप्रॉक्सीमेटली 7 आवर्स ले सकती है. तो मेरा सजेशन ये होगा कि आप रात को ही फ्लोरेंस से वेनिस चले जाइए ताकि आपको डे 6 फुल मिले वेनिस एक्सप्लोर करने के लिए. डे 6 और डे 7 को आप वेनिस एक्सप्लोर करने वाले हैं. वेनिस बहुत ही सारे विजिटर्स को अट्रैक्ट करता है. यहाँ पे बहुत सारे कैनाल्स हैं. सबसे बड़ा कैनाल है ग्रैंड कैनाल. आप उसे एक्सप्लोर करिए, वो सारी वेनिस सिटी को कवर करता है. आप यहाँ पे गंडोला राइड भी कर सकते हैं और अपने वेनिस के एक्सपीरियंस को कंप्लीट कर सकते हैं. आप यहाँ पे रियाल्टो ब्रिज देखिए जिसे आपने बहुत सारे पिक्चर्स में देखा होगा और इसलिए यहाँ पे फ़ोटो खिंचाइए. ये बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रिज है. आप बसिलिका सैंट मार्को चर्च को देखिए, वो बहुत ही सुंदर चर्च है. उसी के सामने एक स्क्वायर है, सैंट मार्को स्क्वायर. आप उसको भी देखिए. वहीं पे एक टावर है जिसके ऊपर जाके आप वेनिस का पैनारोमिक व्यू ले सकते हैं. वो सभी चीज़ें करिए और अगले दिन आप मुरानो और बुरानो आइलैंड चले जाइए. वो बहुत ही सुंदर है. वहाँ पे ग्लास फैक्ट्रीज हैं. आप देखिए कैसे तरीके से वो ग्लास के डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनाते हैं और वहाँ से सोविनियर्स भी खरीदिए. अगर आप इटली के अलावा और कोई कंट्री का टूर भी इसके साथ कंबाइन करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे स्विट्ज़रलैंड का टूर इसके साथ कंबाइन करना चाहते हैं या पेरिस का टूर इसके साथ कंबाइन करना चाहते हैं, तो मेरा लास्ट वीडियो को देख के और इस वीडियो को देख के आप दोनों टूर्स को कंबाइन कर दीजिए. मतलब आप स्विट्ज़रलैंड से आप वेनिस का ट्रेन ले लीजिए और स्विट्ज़रलैंड से वेनिस आ जाइए, और या तो फिर आप इटली घूम लीजिए और वेनिस से आप स्विट्ज़रलैंड चले जाइए. दोनों के लिए आपको ट्रेन लेना होगा और वो बहुत ही आसान होगा. अगर आप इटली में ही कुछ और दिन एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप मिलान देखिए, लेक कोमो देखिए, नेपल्स देखिए. इटली में बहुत सारी चीज़ें हैं और घूमने के लिए, तो आप इटली में और भी दिन आराम से बिता सकते हैं. अगर आप चाहते हैं कि मैं एक और वीडियो बनाऊं जिसमें मैं मिलान, कोमो, चिंक्वे तेरे, नेपल्स, सिसली इन सबको कवर करूं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइए. आप मुझे कमेंट सेक्शन में और बताइए कि आपको किस तरीके के वीडियो चाहिए और आपको क्या हेल्प चाहिए आपके यूरोप ट्रिप के लिए. अगले वीडियो में मैं ईस्टर्न यूरोप का ट्रिप का प्लान करूंगी. अगर आपको और कोई कंट्री का भी यूरोप का ट्रिप प्लान करना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइए. और आप मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए. सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय.